नमस्कार, ये वीडियो एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर मैं बनाने जा रही हूँ। ये बच्चों के बारे में है। बच्चे हर घर में होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हटकर होते हैं, जिन्हें हम अपनी आजकल की भाषा में स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। उनकी शिक्षा के बारे में ये कुछ वीडियो है। अगर मान लीजिए आपके घर या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आता है, तो उसकी शिक्षा दीक्षा की एक बहुत बड़ी चुनौती होती है माँ बाप के सामने। वो बच्चे एक आम स्कूल में ही पढ़ सकते हैं, हालांकि सरकार का ऐसा रूल भी है कि जो भी स्कूल है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत उन बच्चों को भी वहाँ पे पढ़ाएं, और उनके लिए स्पेशल टीचर्स जो स्पेशल बीएड करके आते हैं वो उन बच्चों को समझते हैं, उनकी शिक्षा को कैसे बढ़ाना है वो जानते हैं, वो शिक्षक उनको शिक्षा देते हैं, तो उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इन बच्चों की समस्याओं को लोग समझ ही नहीं पाते, तो उससे उनकी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस विषय पे आपने एक फिल्म देखी होगी, तारे जमी पर, तो वो बहुत ही संवेदनशील थी। उसने एक प्रयास किया था ये बात समझाने का, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अवेयरनेस इस विषय पर नहीं है। लोगों के पास अगर घर में ऐसे बच्चे हैं तो वो उनकी शिक्षा पे, उनको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा पर शायद उतना ध्यान ना दे पाते हैं। उन्हें स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। इसमें कई तरह की जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं, इसको डिसेबिलिटी तो नहीं कहते, लेकिन जैसे कुछ स्पेशल टर्म्स हैं, जैसे HI है, हियरिंग इम्पार्टमेंट है, जैसे वो सुन नहीं सकते। कुछ बच्चे होते हैं जो बोल और सुन दोनों ही नहीं सकते, उनकी शिक्षा अलग तरह से होती है। कुछ बच्चे ऑटिज़्म के होते हैं, उनकी शिक्षा अलग तरह से होती है। कुछ डाउन सिंड्रोम के शिकार होते हैं, उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा अलग होती है। तो जो माँ बाप हैं इस जिनके घर में इस तरह के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही संवेदनशील बात है कि जब तक वो हैं उनके बच्चों का जीवन आसान है, क्योंकि वो उसको समझते हैं कि उनके बच्चे की कब क्या ज़रूरत है। लेकिन आने वाले वक्त में शायद वो ना रहे, तो फिर उनके बच्चों का जीवन आसान हो इसके लिए उन्हें ऐसी शिक्षा दीक्षा देकर जाएं जो उनके जीवन में काम आए। तो इसके लिए एक सोसाइटी है, अर्थ सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जिसके अंतर्गत कुछ टीचर्स हैं जो स्पेशल बीएड किए हुए हैं, वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं। यदि आपकी नज़र में भी कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल में जाता है लेकिन वो कॉमन स्कूल में है, तो उसकी जो समस्याएं हैं वो वहाँ पर ठीक से एड्रेस नहीं हो पाती, तो उनके लिए ट्यूशन्स भी होते हैं, तो अलग से होम ट्यूशन्स उस पर दिलवाए जा सकते हैं। तो ये जो ट्यूटर्स हैं ये उस सोसाइटी के अंतर्गत काम करते हैं। इनका बहुत ही नॉमिनल फीस होती है, वैसे बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं, और इनका कहना है कि यदि माता पिता थोड़े गरीब हैं तो और थोड़े लो रेट पे वो अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़वा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने मिनिमम 500 रुपीज़ है जो 5 डेज हुआ के घर पे आके पढ़ाएंगे, आपके बच्चे को रहने सहने का, लोगों से डील करने का, आम लोगों से बात करने का तरीका, और वो सब चीज़ें सिखाएंगे, उनकी एजुकेशन पर भी फोकस होंगे। यदि आपके पास भी ऐसा ही कोई बच्चा है या फिर आप आसपास आप ऐसा बच्चा देखते हैं, तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसकी मजाक ना बनाएं, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा दिया गया एक देन है, मतलब जिसमें इंसान का कोई वश नहीं चलता, तो इसमें हमें संवेदनशीलता से काम लेना होगा। यदि आप भी ऐसे ही किसी बच्चे के लिए ट्यूशन या फिर टीचर चाहते हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर जो दिया जा रहा है अर्थ सोसाइटी का, उस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।